भारत की युवा तीरंदाज अदिति स्वामी ने देश का नाम रोशन किया है। अदिति ने वर्ल्ड यूथ आर्चरी अंडर 18 कंपाउंड में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। अदिति ने अमेरिका की लीन ड्रेक को 142-136 के अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया है। अदिति लगातार अंडर 18 कंपाउंड आर्चरी में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए उन्होंने लाइमरिक आयरलैंड में खेले गए इस टूर्नामेंट में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले पिछले महीने कोलंबिया में भी अदिति ने टीम के साथ खेलते हुए भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डाला था। गोल्ड के लिए इस मैच में अदिति स्वामी ने शुरुआत में ही 5 अंकों की बढ़त बना ली थी। इसके बाद लगातार वो अमेरिकी लीन ड्रेक से आगे निकलती चली गई और इस मुकाबले को जीतकर गोल्ड पक्का कर लिया। टूर्नामेंट में अब तक भारत 8 मेडल अंडर 18 कंपाउंड आर्चरी में अपने नाम कर चुका है। इसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इससे पहले पिछले साल शारजा में हुई एशिया कप की तीसरी लीग में भी अदिति स्वामी ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा था। इसके बाद भी वो लगातार शानदार प्रदर्शन करती रही और अब वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। अदिति वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली 4थी एथलीट बन गई हैं और वो पहली भारतीय महिला एथलीट हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में मेडल हासिल किया है। 17 साल की अदिति गोपीचंद स्वामी वर्ल्ड रैंकिंग में 34वें पायदान पर है। ये अदिति की अब तक की सबसे बेहतरीन रैंकिंग है। इससे पहले पिछले महीने उन्होंने अंडर 18 कंपाउंड आर्चरी में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग रिकॉर्ड भी हासिल किया था। अदिति स्वामी के इस गोल्ड मेडल के बारे में आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में उन्होंने ये मेडल जीता है, आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए NN Sports।